सामने मीडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं आजाद मैदान पर, जहां पर हजारों टीचरों ने, महाराष्ट्र के शिक्षकों ने जो है यहां पर धरना दिया है, बेमुद्दत हड़ताल की है और आप देख सकते हैं आमरण उपोषण किया है यहां पर। और हमारी जानकारी के मुताबिक, आमना सामना की जानकारी के मुताबिक, आमरण उपोषण में बहुत सारे लोग बीमार हो गए, एडमिट हो गए। यहाँ तक कि हमने खबर सुनी कि एक टीचर का ध्यान भी हो गया, ऐसा हमने सुना। क्या ये बात सही है? ये पहले तो 18 तारीख से 1 नवंबर 2005 के पहले के जो नॉन एडेड स्कूल थे, पार्शल एडेड स्कूल थी, उनको पेंशन गवर्नमेंट ने नहीं दी। क्योंकि पेंशन इसलिए नहीं दी कि 2005 के बाद इनको 100% मिले हैं, 100% स्कूल हुई है। इसलिए 29/11/2010 में एक शासन निर्णय निकाला और इनकी पेंशन गवर्नमेंट ने उनको पेंशन देने का ये किया नहीं, नई पेंशन उनको लागू की। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि अभी बहुत लोग रिटायर हुए, बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत लोग रिटायर हुए, बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगी कि 2005 की पहली अपॉइंटमेंट इनकी है, इसीलिए ये पेंशन, इनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी बात की थी, अभी शिक्षण मंत्री जो नया है आदरणीय शेलार साहब, उनसे भी बात की है कि जो लोग ये स्मार्ट है महाराष्ट्र का 50,000-55,000 का, इनको पेंशन 1982 की पेंशन मिलनी चाहिए। इसीलिए हमने 18 तारीख से आमरण उपोषण रखा है। इसमें 2 दिन जो नासिक के सर थे वो अपने उपोषण में थे, लेकिन घर जाने के बाद उनको कैसे अनइजी फील हुआ और उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगी, जब तक आप पेंशन का मामला ये पॉजिटिव निकालते नहीं, तब तक यहाँ से हम हटेंगे नहीं। तो इन सभी दिनों में आपने सरकार से बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की, तो अब तक वो निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे? क्या कहना है उनका? कोई जवाब मिला उसका? शेलार साहब से मैंने बात की है, वो बोले कि अभी एक ह्यूमिनिटी के नाम से ये जो स्लॉट है महाराष्ट्र का 50,000-55,000, उनको कुछ भी नहीं मिला है ना, उनको उनकी जीपीएफ कपात भी नहीं हुई है, जो सैलरी मिलती है उसके डिडक्शन में कुछ भी डिडक्शन हो नहीं रहा, इसलिए उनको बेनिफिट कुछ भी नहीं है। इसीलिए शेलार साहब से बात की है कि वो बोले कि हाईकोर्ट में ये मैटर है, हाईकोर्ट का रिजल्ट निगेटिव आया है, लेकिन हाईकोर्ट का रिजल्ट रहा तो भी शासन ने जब पॉजिटिव कुछ लिया निर्णय, तो कुछ भी कर सकता है शासन। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश करूँगी कि 2005 के जो लोग हैं वो बहुत ही उनकी हालत गंभीर है, उनका पॉजिटिव निर्णय लेना चाहिए, उनको 1982 की पेंशन, मिनी पेंशन योजना लागू करनी चाहिए। अच्छा, जैसे ये एक जो टीचर का, एक जो टीचर का जो ध्यान हुआ है हार्ट अटैक से, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इतना टेंशन परिवारों पर है
इस पूरे मुद्दे को लेकर कि उस टीचर को यकीनन जो है उसके दिल को जो चोट पहुंची होगी और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका देहांत हो गया, तो क्या आप लोग उसकी मांग कर रहे हैं कि उसको भी कोई मुआवजा दिया जाए, उस टीचर के लिए भी कोई मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से? ये सरकार की नाअहली की वजह से हुआ ये। बिल्कुल, ये अभी तो आपको यही दिखा कि एक टीचर की डेथ हो गई, लेकिन ऐसे बहुत सारे टीचर हैं कि मैं उनके घर पे जाके आई, ऐसे बहुत सारे टीचर यहाँ पे प्रेजेंट हैं कि वो रिटायर्ड हुए हैं, यहाँ पे जो महिला ही है वो रिटायर्ड हो चुकी है, उनके घर में कुछ भी नहीं, बहुत ही गंभीर समस्या निर्माण हुई है। मैं तो शासन से, गवर्नमेंट से बात करूंगी और मैं उनकी गुजारिश करूंगी कि उनको कुछ तो भी बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे ये सर परसों उनका देहांत हुआ, उनके फैमिली को कुछ तो भी 15,000 रुपये से मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए। दर्शकों को हम बता दें कि यहाँ पर ये हजारों टीचरों ने अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर धरना दिया है। हम सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि ये टीचर जो हैं और जो यहाँ ओपोजिशन के जो ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनकी सुनवाई होनी चाहिए और इंसानियत के नाते इनके हम आइए हम इनसे बात करते हैं जो आज कई दिनों से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपका क्या कहना है? आपने जो भूख हड़ताल की, आपका नाम क्या है? क्या काम? सुनील दानवे नाम है मेरा, मैं अहमदनगर से आया हूँ। अहमदनगर से आए हैं? 18 तारीख से हम उपोषण पे अनशन पे बैठे हैं यहाँ पर। हमारे 2005 के पहले की पेंशन सरकार ने छीन ली है और हम पे अन्याय हुआ है, इसलिए हम हजारों लोग या टीचर, प्रधानाध्यापक और सब सेवक लोग यहाँ पर अनशन पे बैठे, लेकिन आज 7वां दिन है फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप कब से भूख हड़ताल पर हैं? आज 7वां दिन है। आज 7वां दिन है, 7 दिन से आप भूख हड़ताल पर हैं? भूख हड़ताल पर। आपके साथ कितने लोग हैं? सारे लोग हैं? बहुत लोग हैं, लेकिन अभी कोई अस्पताल में भी गए हैं। अभी 2 महेंद्र इंगे बद्रीनाथ शिंदे अस्पताल में भर्ती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक टीचर जो है जो भूख हड़ताल पे है, उनकी हालत कुछ गंभीर नजर आ रही है एक तरह से, और बेहोशी की हालत में नजर आ रहे हैं। आप कुछ कह सकते हैं कुछ इस हालत में? बोल सकते हैं सरकार को? 4-5 दिन हो गए, बहुत तकलीफ हो रही है। सरकार हमारे तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, तो किसी भी हालत में हमको पेंशन चाहिए, हम अमरण उपोषण के लिए आप बैठे। एक जो टीचर के साथ में जिसका ध्यान जो हार्ट अटैक से, आपकी ये हालत है, अगर आपकी कुछ हो गया तो आपके परिवार को कौन देखेगा? ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम 7 दिन इधर अनशन कर रहे हैं तो सरकार हम पर ध्यान नहीं देते। जो प्रशासन में वो आए नहीं है, विरोधक आए लेकिन कोई आश्वासन देके गए, लेकिन संसद में उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाया। इसलिए हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो 2005 की पूर्वी की जो पेंशन है वो हमारा हक है और उन्होंने देना चाहिए। आपको लगता है कि ये सरकार जो है टीचर विरोधी सरकार है जो आपके जो है मांगों को नहीं मान रही है? नहीं, सरकार तो विरोधी नहीं है, लेकिन उसको जो ये जो हो रहा है उसको जो थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ेगा, तो वो हमको जरूर पेंशन देगा ऐसा हमको लगता है। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो सकती हम यहाँ से नहीं हटेंगे, यहाँ पर मरेंगे आज़ाद मैदान पर, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आज 7वां दिन है। आइए हम और भी जो है यहाँ पर टीचर है जो भूख हड़ताल पे, इनसे बात करते हैं। सर बोलेंगे, सर आपका नाम? अशोक रसाल, मैं परभणी से आया हूँ। हम 6 दिन से महाराष्ट्र शासन के खिलाफ अनशन पे बैठे हैं, आज हमारा 7वां दिन है। महाराष्ट्र शासन का कोई भी प्रतिनिधि हमारे लिए यहाँ आया नहीं, हमें कोई सीरियसली ले नहीं रही है। क्या गवर्नमेंट हमारे मरने की राह देख रही है? हम सिस्टम के ऊपर भरोसा रखते हैं, हम बच्चों को क्या पढ़ाना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, क्या अन्याय सहन करना,
ये इसलिए ये हक के लिए हम अनशन पे बैठे हैं और हम जब तक हमको न्याय नहीं मिलता तब तक यहाँ से हम नहीं उठेंगे। शासन हमें जल्दी न्याय दे, इसी जब तक न्याय नहीं देंगे तब तक हम अनशन नहीं तोड़ेंगे, यही हमें शासन से कहना है। हम यहाँ महाराष्ट्र से तमाम लोग, शिक्षक लोग यहाँ जमा हुए हैं, तो हमारी मांगे तुरंत पूरी की जाए। वो न्याय न्याय है, हमारे ऊपर अन्याय हुआ है तो शासन इसका दखल ले। से बोलो, अभी अभी आप हॉस्पिटल से आए हैं, आप भूख हड़ताल पर हैं, तो आप क्यों हॉस्पिटल गए थे आप और वहाँ पर क्या रहा, कितने दिन से आ रहे हैं? कल सुबह मुझे 10 बजे 11 बजे थोड़ा सा चक्कर आ गया, इसलिए पुलिस मुझे हॉस्पिटल में लेके गई और हॉस्पिटल में मुझे भर्ती किया और अब भी मुझे वो छोड़ रहे नहीं रहे थे। मैंने उस हॉस्पिटल को बोला कि मैं ट्रीटमेंट नहीं लूँगा जब तक मेरी पेंशन मंजूर नहीं होती और मुझे ये पेंडल में छोड़ दो, ऐसा मैंने कहा। बाद में उसने पुलिस को बुलाया हॉस्पिटल ने, और पुलिस ने कहा कि क्या करने का है, तुमको 2 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं लूँगा। तो पुलिस ने बोला चलो वहाँ तुमको छोड़ते हैं, और अभी मुझे यहाँ छोड़ने आए हैं। कौन सा हॉस्पिटल में थे? कौन सा हॉस्पिटल? गोकुलदास गवर्नमेंट का गोकुलदास तेजपाल मुंबई, ये हॉस्पिटल था, उसमें मुझे एडमिट किया था। दवा वगैरह खाया कुछ आपने खाने के लिए दिया उन्होंने? खाने को कुछ नहीं दिया, मैंने दवा नहीं लिया, खाली उसने मुझे ये सलाइन वगैरह दिया। मैंने वो पहले लिया, अपन बाद में मैंने बोला वो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सलाइन वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आप भी हॉस्पिटल से आए हैं, आपके कुछ दवा वगैरह ली या आपको खाने के लिए दिया गया? आपका ऑपरेशन तोड़ा है या आपका ऑपरेशन जारी है? पहला ऑपरेशन जारी है, मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे खाने के लिए दिया था मैंने लेकिन लिया नहीं। मैं बोला मैं अनशन पे हूँ और अनशन पे ही रहूँगा।